नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। 22 जुलाई को लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, नाम है सूचना का अधिकार संशोधन बिल 2019। इस बिल के पक्ष में पड़े 218 वोट और विरोध में पड़े थे 79 वोट। अब वोट ज़्यादा पक्ष में पड़े तो बिल पास हो गया। अब इसे राज्यसभा से पास करवाना होगा, फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसमें बदलाव आ सकेगा। लेकिन लोकसभा में बिल पास होने के साथ ही बवाल भी शुरू हो गया है। बवाल इसलिए कि अब मोदी सरकार 14 साल पुराने इस कानून में कुछ बदलाव करने जा रही है। हम आपको बताते हैं कि क्या क्या ऐसे बदलाव प्रस्तावित हैं जो मोदी सरकार ने इस बिल में रखे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के दो सेक्शन में बदलाव हुए हैं, पहला है सेक्शन 13 और दूसरा है सेक्शन 16। 2005 के कानून में सेक्शन 13 में जिक्र था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो वहां तक रहेगा। 2019 में संशोधित कानून कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा, यानी कि केंद्र सरकार तय करेगी कि मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त या कोई भी सूचना आयुक्त कितने साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। साल 2005 के कानून में सेक्शन 13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की तनख्वाह का जिक्र है। मुख्य सूचना आयुक्त की तनख्वाह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तनख्वाह के बराबर होगी, ये जिक्र था 2005 में। सूचना आयुक्त की सैलरी निर्वाचन आयुक्त की सैलरी के बराबर होगी। अब 2019 में जो संशोधन हुआ है उसमें कहना है कि मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी और सूचना आयुक्त की सैलरी केंद्र सरकार तय करेगी, यानी वो तय करेगी कि किसे कितने पैसे दिए जाएंगे। 2005 के ओरिजिनल RTI एक्ट के तहत सेक्शन 16 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का जिक्र है। इसमें लिखा है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य के सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो तब तक रहेगा। लेकिन इस बार इसमें बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं और ये कहना है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य के सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी। 2005 के ओरिजिनल एक्ट के मुताबिक राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी राज्य के निर्वाचन आयुक्त की सैलरी के बराबर होगी। राज्य के सूचना आयुक्त की सैलरी राज्य के मुख्य सचिव के बराबर होगी। संशोधित एक्ट के मुताबिक राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की सैलरी केंद्र सरकार तय करेगी। ये तो रही बदलाव की बात, लेकिन सवाल ये है कि बिल का विरोध क्यों हो रहा है। विपक्ष के नेताओं का तर्क है कि इन संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार सूचना के अधिकार कानून की स्वायत्तता खत्म कर रही है। विपक्ष का तर्क है कि अब सरकार अपने पसंदीदा केस में सूचना आयुक्त का कार्यकाल बढ़ा सकती है और उनकी सैलरी बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। लेकिन अगर सरकार को किसी सूचना आयुक्त का कोई आदेश पसंद नहीं आता है तो उसका कार्यकाल तुरंत ही खत्म किया जा सकता है, और ये इस बदलाव की सबसे बड़ी खामी है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने तर्क रखे हैं। सरकार की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने तर्क दिया है कि सूचना आयुक्त की सैलरी और उनका कार्यकाल इलेक्शन कमीशन की सैलरी और उनके कार्यकाल पर निर्भर तो करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम और सूचना आयुक्त का काम अलग अलग है, लिहाजा दोनों के स्टेटस और उनके काम करने की स्थितियां अलग अलग हैं। गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के आदेश को चुनौती दी जा सकती है, RTI के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने और भी कुछ कहा है, वो आप खुद ही सुन लीजिए। जो मूल भाव है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, उसके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये जो यदि कोई किसी तरह की ये धारणा है या इस तरह का गलतफहमी है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को कमज़ोर किया जा रहा है या उसकी स्वायत्तता पर कोई प्रतिकूल असर पड़ रहा है, तो ये निराधार है। जहां ये धारणा शायद उस समय प्रकट की गई कि जो सदस्य रहते हैं कमीशन के, इन्फॉर्मेशन कमीशन के, उनके अधिकारों में किसी प्रकार का कोई हनन होगा, तो ये भी बात स्पष्ट हो जाए कि उसको लेकर के सेक्शन 12(3) है, उसका भी इस संशोधन बिल से कोई संबंध नहीं है। और अब बात सूचना के अधिकार कानून की। साल था 2005, केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA की सरकार थी। तारीख थी 12 अक्टूबर। सरकार ने एक नया कानून लागू किया, नाम था सूचना का अधिकार, अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि RTI। कानून लागू हुआ और फिर इस कानून के जरिए दबी छिपी सूचनाएं भी लोगों के पास पहुंचने लगी। खूब तारीफ हुई इस कानून की। मनमोहन सिंह की सरकार भी 2009 में दोबारा सत्ता में आई, कानून चलता रहा, लोगों तक सूचनाएं पहुंचती रहीं। 2005 में जब ये बिल पास हुआ तो इससे पहले कि ये बिल संसद की कई समितियों जैसे कार्मिक मामलों की संसदीय समिति, लोक शिकायत समिति और कानून और न्याय समिति के सामने गया था और वहां से मंजूर हुआ था। इस समितियों में उस वक्त के BJP के सांसद और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बलवंत आपटे और राम जेठमलानी जैसे बड़े नेता शामिल थे। उस वक्त इस BJP नेताओं की कमेटी ने कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी
केंद्र सरकार के सेक्रेटरी के बराबर होनी चाहिए। वहीं कमेटी ने यह भी कहा था कि केंद्र के सूचना आयुक्त और राज्य के सूचना आयुक्त की सैलरी केंद्र सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर होनी चाहिए। ये ईएमएस नचियप्पन के नेतृत्व में बनी संसदीय समिति ने 2005 में जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो नए नियम सामने आए जो 14 साल तक चले। अब केंद्र सरकार इस कानून में बदलाव करने जा रही है, जिस पर विपक्ष हंगामा मचा रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे द लल्लनटॉप वीडियो के जरिए आपको बताता रहेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप इसका यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एंड्रॉयड ऐप आ गया है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए द लल्लनटॉप.com। शुक्रिया।